तो फिलहाल एक अलग इवेंट एलटी फूड्स में हो रही है, जो कि क्रिकेट इवेंट है हर साल की तरह। इस साल भी, और इस साल जो है थोड़ा पहले है। नॉर्मली हम लोग मार्च में इवेंट करते हैं, बट इस साल वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट इन द मंथ ऑफ मार्च बिफोर होली। और टूर्नामेंट होने वाला है और हमारा मैच है, और मैच होगा साइलेंट किलर वर्सेस बिग शॉट। बिग शॉट हमारी टीम है, बिग शॉट की कप्तानी मैं कर रहा हूँ, बट जोश इज़ वेरी हाई इन द टीम। सो प्रैक्टिस पे थोड़ा सा हाथ गर्म करते हुए लोग। स्पोर्ट्स ऑफ भोजन का लुत्फ लेते हुए ऋषिराज अपने टीम का अपने टीम को सजाते हुए मिस्टर डिंपल शर्मा। काफी योगदान है इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओ यार गलत हो गया। दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान है इस मैच को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दर्शक के खचाखच भरा हुआ। हाँ भाई मनोज, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई। ये मुंह क्यों लटके हुए कुछ प्लेयरों के? मेरे काम में मैच है ही नहीं जी। अमित गौड़ फिर से, और हमारे पास एक कैमरामैन भी यहाँ पे। कैमरामैन का हम स्वागत करते हैं। इनके तो चश्मे भी बिल्कुल रंगीन, इनको देख के पूरा फील्ड भी हुआ माहौल रंगीन। इस बार सुनील शिवम ऋषि के अरे छक्का छक्का शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जल्दी भाषा का प्रयोग करें, ऑफिस में जाएगा। बहुत बढ़िया ऋषि, शाबाश शाबाश। नीरज अपनी आंखों में गेंद डालते हुए डिंपल ये डिंपल विनिंग कैप्टन। कैप्टन कैमरामैन फोकस करे। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको खेलकर? बहुत अच्छा लगा। पिच का कैसा मिजाज है? पिच अब भी सूखी है थोड़ी सी। क्या एडवाइस देना चाहेंगे कान में सर? बॉडी पे बॉल होनी चाहिए। इस साइड हीट है, बॉडी पे बॉल होनी चाहिए। इस साइड आपको क्या लगता है? पिच पे हीट है, बचा के खेलें। उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा, पर हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी थी। हमारे प्रैक्टिस मैच का सीन पास कर लो। आगे दीपक जी निकल रहा हूं। So team Big Shot has won the toss, or they have elected to ball first, or how is Josh? Yes. Josh is high. Camera pakad. अरे सर ऐसे पकड़ूंगा क्या? स्क्रीन ऑफ होगी, हल्का ना उंगली मार देना बस। चलो यार चलो।
बॉल चौथी बॉल चार हुई है पांचवी बॉल रमेश की थैंक यू ब्लू कंडी नहीं है क्या पहली बॉल चलो चलो लेग बाय का चलो अरे वहां तो भागे सुमित क्या करेगा जय श्री राम टफ हो गया मैच सिक्स ओवर में ऑलमोस्ट 50 रन हम बना चुके हैं तकरीबन 9-10 की एवरेज से तो लेट्स सी किस करवट मैच ये लेगा और इट्स गोना बी वेरी टफ बराबरी का टक्कर का बिल्कुल मैच बना है जान डाल दी मैच में मजा ये स्पिरिट है सो विनर कैप्टन विद मी मिस्टर नरेंद्र वास ही इज अमेजिंग बैट्समैन गाइस चीयर अप काफी अनुभवी कमेंटेटर हमारे पास मिस्टर डिंपल सर जी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए ये पहले हमने खरीद लिए थे इनको कैप्टनशिप भी दी थी लेकिन इनको हजम नहीं आई इस फिल्म के सभी पात्र जो काल्पनिक है व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं है राजेंद्र नेगी उस्मान खान का तो अमित डिंगरा जी कुंदन और राजेंद्र नेगी इन पे टिकी हुई है सारी टीम अगर ये मैच विन करवा देते हैं तो बढ़िया नहीं तो फिर भगवान भरोसे है सर इनकी कहानी राजेंद्र नेगी खान साहब मंझे हुए खिलाड़ी है और बुलाया है परचेज लैब ने इनका धूप में बैठ बैठ के रंग काला हो गया अच्छा ये कब पता चला आपको बताएंगे अभी सर थोड़ी देर में दावत की पब्लिसिटी करते हुए कुंदन अरे मजा आ गया बहुत मजा 27 रन वाइड बॉल के साथ शुरुआत की है इन्होंने साहब के लिए स्प्रिंग वाला बैट मंगाया अब स्टार बल्लेबाज उस्मान हमारे साथ कमेंटेटरी बॉक्स में आ चुके हैं और उस्मान कैसा रहा आज का आपका एक्सपीरियंस पहले ओवर में चार विकेट खोने के बाद फिर भी आपने बड़ी संयम के साथ बैटिंग करी क्या कहना चाहेंगे आप शुक्रिया अदा करते हैं हमारा मैच देखने आए जैसे उसके बाद थोड़ा सा नर्वस हुए लेकिन गेम जारी रखा और अच्छी बैटिंग लाइनअप लाए और स्कोर को आगे बढ़ाया बहुत अच्छा स्कोर बन चुका है हमारा और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी और इस मैं एक बात और बता दूं आपको आपका जो ये इंडिविजुअल स्कोर है ये इस श्रृंखला का सबसे हाईएस्ट स्कोर है वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस थैंक यू सो हमारे साथ ये थे स्टार बल्लेबाज उस्मान अपने 50 बनाकर हमारे साथ अपना अनुभव पुरानी बॉल की मांग करते हुए अंपायर कृपया करके पुरानी बॉल पहुंचाई जाए कितना 128 स्कोर हो चुका है और हिमांशु इस समय अभी भी डटे हुए हैं उस्मान इशारा कर रहे हैं खुलकर खेलिए कितनी बॉल शेष रह गई है चार बॉल शेष रह गई है इस समय और काफी रोमांचक स्थिति में इस समय मैच 128 का स्कोर हो गया इस समय और चार बॉल शेष बॉल की मांग की गई है क्योंकि बॉल जो है बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है तो इस बार का जो ये टूर्नामेंट है इसमें काफी रोमांच था और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी एचआर टीम को जिन्होंने इस श्रृंखला का आयोजन इतने शॉर्ट नोटिस पे कराया
हम तहे दिल से उनके आभारी हैं और उम्मीद करते हैं ये इसी तरीके से हर साल इस आयोजन को और बढ़ा चढ़ाकर हमारे जो है ग्रुप कंपनीज की टीमों को इनवाइट करें और इसको हम एक नेशनल लेवल पर प्रमोट करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ अनुभव शेयर करेंगे हमारे एचआर मैनेजर मिस्टर दीपक शर्मा। तो दीपक, आप अपना अनुभव शेयर करें हमारे साथ इस आयोजन के लिए। क्वेश्चन इसलिए किया था कि हमने एक तो लाइव स्कोरिंग यहाँ पे की, लाइव स्कोरिंग के साथ साथ एक हमने ग्राउंड अच्छा बुक किया था, ग्राउंड में थोड़ा सा हमने ब्रांडिंग भी की हुई है, जैसे आप देख रहे हो ग्राउंड काफ़ी आउटफील्ड अच्छी थी। हम लोगों ने पिछले 3 हफ्ते पहले यहाँ पे मैच खेला था तो आउटफील्ड बड़ी स्लो थी, बट थैंक्स टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम वी हैव एबल टू यू नो परफॉर्म ऑन दिस ग्राउंड। और पिच का क्या कहना, समझ में नहीं। और ये छह रन बिल्कुल सबसे लंबा छक्का, ये BSNL छक्का। अरे यहाँ से तो डालो। थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि आपको नहीं लगता हमें अपनी ग्रुप कंपनीज को भी इनवाइट करना चाहिए इस तरह के टूर्नामेंट? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हो कि साल दर साल हम इस टूर्नामेंट को थोड़ा सा रोमांचित करते जा रहे हैं। पहला हमने टूर्नामेंट गेटवे में आयोजित किया था, सेकंड टूर्नामेंट हमने हनी स्पोर्ट में किया था, बट थर्ड में भी हमने हनी में किया, बट तो लाइव स्कोरिंग हमने चालू की और इस बार हमने काफी डिजिटल स्केल पे भी काफी इम्प्रूवमेंट किया और अगले साल उम्मीद करेंगे हम इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग ड्रोन से करेंगे। और हम भी ये ट्राई करेंगे कि जैसे अभी लाइव स्कोरिंग बोर्ड हो रहा है तो लाइव वीडियो भी चलेगी नेक्स्ट टाइम से, थोड़ा कॉस्टिंग और मैनेजमेंट से बात करके yes. इसके ऊपर हम थोड़ा दिन प्रतिदिन अपना टूर्नामेंट को इम्प्रूव करेंगे। नहीं, ऐसा स्कोर ठीक हो गया ना? बहुत बढ़िया स्कोर है ये, 138 है ना, यूट्यूब पे आ जाएगा ना? बिल्कुल आएगा यार, जो बात कर रहे थे। पिच रिपोर्ट, इस समय पिच की जो स्थिति है वो काफी फॉर्म पिच है, बहुत बैटिंग के लिए अनुकूल है काफ़ी, और जिस तरीके से स्कोर बना है 140 इज हाईएस्ट रन, और अब देखते हैं कि चेज करने में क्या डिफिकल्टीज होने वाली है। इस समय अंपायरिंग का अनुभव वैभव जी को काफ़ी सालों से है, पिंक बॉल के साथ अंपायरिंग किए इन्होंने। प्रेशर सहा नहीं जाएगा यहाँ पे, प्रेशर में जो गया वो गया। थैंक यू। टीम अपने करवाया है, थोड़ा और इधर आ जा, देखो जैसे भी टीम है। बस बहुत बढ़िया खेलना है सुरेंद्र। अंपायरिंग पर है मैं और वैभव और ऑन साइड। टुकड़ू बैठ जा, ऐसे बैठे रहो। पानी। छह ओवर में स्कोर कितना है? 6 ओवर में भाई साइड चेंज हो गई। साइड चेंज है। 6 ओवर में कितने? 39 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर 39 रन। हाफ ओवर खत्म, जल्दी करें प्लीज बैट्समैन, जल्दी, स्लो ओवर रेट नहीं लगेगा, जल्दी करें। आधा
छह ओवर आपने अच्छे फेंके हैं, छह ओवर और जल्दी करें प्लीज। सो गाइस व्हाट एन अमेजिंग डे टुडे, क्या अमेजिंग दिन था और काफ़ी टफ क्लोजेस मैच रहे और आज हम लोग अनफॉर्चुनेटली बड़े क्लोज मैच में हम लोग हार गए और हम जो हारे हैं वो मात्र 10 रन के मार्जिन से हारे हैं। बट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया अनुभव रहा आज का मैच का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। एक छोटी सी कोशिश थी और ऑफिस में एक इवेंट थी तो सोचा कि उसी व्लॉग के माध्यम से ही आप लोगों तक ये वीडियो मैं पहुँचाऊँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे हम बहुत जल्द एक नए डेस्टिनेशन के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ ऐसे ही जुड़ेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिलहाल आगे हम लोग इस तरह की इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और ऐसे इवेंट मैं आपके पास लाता रहूँगा। तो अब मिलता हूँ बहुत जल्द अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।